من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، شمس بين القمرين، نور بين الهرمين، هدنا وهادي الثقلين، شفي المذنبين وأنيس الغريبين، إلى في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نبي كذا ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين، خصوصا على الحسين الغريب مقتول المذبوح من الكفار في الأرض كربلاء في يوم عاشوراء، الذي قال عند في وقت ودائه من الخيام: يا زينب ويا أم كلثوم ويا سكينة عليكن مني سلام، ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. دعائیں کہ پروردگار عالم آپ کا یہاں آنا اور میمن برادریان کا یہ فرش عذاب بچھانا مالک کون موقع اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نبی رحمت کے صدقے میں ان کے گھروں کے اوپر اپنے خصوص رحمت اور برکتوں کا نزول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی محمد و آل محمد کے چاہنے والوں کو عزت و زندگی عطا فرمائے. دنیال بادشاہ اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے. اس ملک میں بسنے والے تمام سنی شیعہ بھائیوں کو اتحاد اور اتفاق کی دولت سے مالا مال فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جو بیمار ہیں بیماری کربلا کے صدقے میں صحت و سلامتی عطا فرمائے. جو جو حاجات شریعہ لے کے آئے ہیں میرے کریم اللہ، تو ان کی حاجات شریعہ کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. اس کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے، اپنے بار میں آقا کے ظہور میں تعجیل کے لیے محبت بھری صلوات پڑھیں. بس مختصر سی ڈپٹی شبیر، یہ مجلس حسین کرانے کا ایک مقصد ہے. ہمارا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ کسی کو ستانا، گلی کوچوں کو بد کرانا کسی کو ستانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم 1400 سال سے اس حسین ابن علی کا غم منا کے یہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ اے دنیا والو، اس دنیا میں حسین کے چاہنے والے بھی موجود ہیں اور یزید کے چاہنے والے بھی موجود ہیں، لہذا یہ مجلس حسین بپا کرنے کا ایک مقصد ہے کہ
कि हक पर कौन था और बातिल पर कौन था। हर बंदा कोशिश करता है कि अपना बैंक के अंदर अपनी दौलत जमा करवाए, अपना बैंक बैलेंस जमा करे, ताकि उसके चले जाने के बाद उसकी औलाद के पास वसीतर दौलत हो। लेकिन एक शिया ने हैदर करार हैं कि वो सारा साल कमाते हैं, उस कमाई से हर महीने में हुसैन का हिस्सा निकालते हैं और एक दिन हुसैन की मजलिस बपा करते हैं। उनके खर्च कराने का मकसद किसी को ताना देना नहीं है, बल्कि हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि दुनिया वालों, जिस हुसैन को हम मानते हैं, उस हुसैन का मकसद क्या था, वो हुसैन कौन था और हुसैन वो किसका बेटा था। इसी जुमरे में मैंने वो पैगंबर इस्लाम का फरमान पढ़ा, अल्लाह के रसूल जब मेराज पे तशरीफ़ ले गए तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मैंने ये लिखा हुआ देखा कि आए मेरे हबीब, इन्नल हुसैन मिसबाउल हुदा व सफीनतुन नजा। आए मेरी, अल्लाह फरमा रहे हैं कि आए मेरे नबी, तेरा ये हुसैन कश्ती चराग है और हिदायत का पहाड़ है। कौन हुसैन जी? सहाबा की जमात हो रही है, मस्जिद नबवी है, मुख्तसर कर रहा हूँ, मस्जिद नबवी है। मेरे मौला हुसैन के सर पे अमामा था और ज़ेब-ए-तन अबा थी, बस मेरे मौला हुसैन का पैर अबा के साथ अटका, हुसैन दरमियाने सहाबा जमात के गिर पड़े और रसूल ने देते हुए खुतबा छोड़ दिया, हुसैन को उठाया। हुसैन को उठाने के बाद सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह हम मौजूद थे, हमें हुक्म देते, हम हुसैन को आपके पास ले आते। हुसैन के नाना क्या इरशाद फरमाते हैं कि देख लो, अल हुसैन मिन्नी व अना मिल अल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। लिहाजा आज आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो माहौल बना दिया गया है कि कातिल भी रहमतुल्ला, जिसने कत्ल किया है वो भी रहमतुल्ला, जो बेजुर्म बेखता शहीद हुआ वो भी रहमतुल्ला। लिहाजा हमें किसी के दरवाजे पे नहीं जाना चाहिए। अल्लाह का कुरान मौजूद है, ये वो कुरान है जो ताकियामे कियामत इंसान की रहनुमाई करता है। लिहाजा साहिबान ईमान कुरान को पढ़ें, क्योंकि कुरान क्या है, कुरान इंसान की हिदायत करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबो ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन। अल्लाह फरमा रहा है कि इसमें शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है कि ये कुरान हुदल लिल मुत्तकीन है, यानी मुत्तकियों का पेशवा है, मुत्तकियों की हिदायत करता है। और हम भी सुबह शाम अपनी आजान में ये कहते हैं, क्योंकि पैगंबर ने दो चीज़ें इंसान की निजात के लिए छोड़ी, इन्नी तारिकु फीकुम मुस्तकलैन किताब अल्लाह व अतरति व अहले बैती व इन तमस्सकतुम बिहिमा लम तज़िल्लु बअदी अबदा। नबी इरशाद फरमाते कि मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। कौन सी वो भारी चीज़ें? किताबुल्लाह, एक अल्लाह की किताब, व इतरत अहले बैती, और दूसरी मेरी अहले बैत। नबी फरमा रहे हैं व इन तमस्सकतुम बिहिमा, मेरे जाने के बाद अगर तुमने इन दोनों से मोहब्बत की तो मैं नबी गारंटी दे रहा हूं कि जहालत और गुमराही तुम्हें मस भी नहीं करेगी। लिहाजा इंसान की नजात की खातिर पैगंबर ने दो चीजें छोड़ी। किताब का दावा है कि मैं उनकी, उनका पेशवा हूं, उनकी रहनुमा हूं। कुरान मजीद की ये दावा है कि जो हुदल लिल मुत्तकीन है, जो परहेजगारी की जिंदगी गुजारते हैं। और हम अपनी आजान में ये ऐलान करते हैं, वा अशहदु अन्ना अमीरुल मुमिनीन व इमामुल मुत्तकीन। ऐ दुनिया वालों, जिस तरह कुरान मुत्तकियों का हादी, इसी तरह अली इब्न अबी तालिब भी मुत्तकियों के इमाम हैं। लिहाजा मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, समझें, सोचें कि आखिर वो क्या मकसद था जिस मकसद की खातिर हुसैन इब्न अली ने अपने नाना की मजार को छोड़ा। हुसैन का वो मकसद क्या था? आज मीडिया का दौर है, इसलिए अली ने क्या फरमाया, दुनिया अपने वोटर के लिए चुनती है ना, मेरे जो नौ जो वोट डालते हैं, एजेंट होते हैं, उनको नौकरी मिल जाए। अली ने क्या आपके और मेरे लिए चॉइस किया? मेरे मौला अली फरमाते हैं,
किस्मतुल जब्बार फीना लना इल्मुल वलिल आदाए मालू। अगर इससे बढ़कर कोई होता तो अली हमारे लिए जरूर चैस करते। अली फरमाते हैं कि आय अल्लाह, अली तेरी तकसीम पे राजी है, तूने मुझे और मेरे चाहने वालों को इल्म दिया और अली के दुश्मनों को माल अता किया है। लिहाजा क्या है, इल्म एक लाजवाब दौलत है। आज याद रखना, नौजवानों को एक पैगाम दे रहा हूँ, आज बम धमाकों की जंग खत्म हो गई है, आज तीर और तलवार की जंग खत्म हो गई, आज इल्मी जंग छिड़ गई है। लिहाजा अपने बच्चों को कुरान और अहले बैत से रोशनास करवाएं, बस इतना रोशनास करें, अगर कोई दुश्मन अहले बैत आपके हमारे नौजवान बच्ची बच्चे से अगर कोई यूनिवर्सिटी में कॉलेज में सवाल करें तो हमारे बच्चे इतने अहले बैत की तालीम से वाकिफ हों, उसको जवाब या अल्लाह के कुरान से दें या चारदा मासूमीन के फरमान से दें। अपने बच्चों को तालीम की के जेवर से रोशनास करवाएं। माशाल्लाह मदारिस इमाम बरगाह ये मजलिस हुसैन भी उसी तालीम का एक तसलसल है। लिहाजा सोचें समझें, हुसैन को अल्लाह ने जनाब रुबाब के बतन अतर से दो औलादें अता की, एक का नाम अली असगर था जिनकी शहादतें आप सुन चुके हैं। अली असगर 6 माह का, जिसने कहा बाबा मैदान में तू ले जा। अकबर 18 साल का था, उसने जंग की। कासिम 13 साल का था, उसने जंग की। बाबा मैं ऐसी जंग करूंगा ना, तो यही हुआ। जब हुसैन का सर नोके सना पे देखा, अली अकबर का सर देखा, शामी और कूफियों की दीद जब रुबाब के चंद अली असगर के सर पे पड़ी, हर किसी ने मातम करके कहा हुसैन बेजुर्म बेखता था। अल्लाह अकबर, ये 6 माह का बच्चा जो माँ को माँ ही नहीं कह सकता, इसका क्या जुर्म था। एक हुसैन का ये बेटा और दूसरी हुसैन की 4 साल की बच्ची सकीना, जिसके लिए इमाम जमा ज़ियारत नाहिया में फरमाते हैं, मेरे सलाम हो उस सकीना के ऊपर जिसकी उम्र कम थी। अल्लाह अकबर, जिसकी उम्र कम थी, मसाइब ज्यादा थे। अल्लाह अकबर, इमाम जमाना क्या फरमाते, मेरा सलाम उस सकीना के ऊपर जिसकी जिंदगी कम थी, दुख ज्यादा थे। अल्लाह अकबर, ये अभी अभी मासूमा की शहादत गुजरी ना, हुसैन ने कुछ गुफ्तगू की, सकीना मैं जा रहा हूँ, जब तक मैं जिंदा रहा तुझे अपने सीने पे सुलाता रहा, मुझे मालूम है मेरे सीने के बगैर तू नहीं सोएगी, याद रखना सकीना मेरे जाने के बाद किसी को कोई तकलीफ न देना। अल्लाह अकबर, बाबा से किया हुआ वादा सकीना ने निभाया। अल्लाह अकबर, अब आ गई सकीना, मुकैद हो गई, कैद हो गई, हर जगह एक सवाल करती थी, सज्जाद मुझे बाबा का सर दे दो, सज्जाद मुझे बाबा का सर दे दो, मैं बाबा के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। अल्लाह खुदा की आप सबको कबूल फरमाए। अल्लाह जनाब मासूम सकीना की मजलूमियत के सदक़े में अल्लाह आपके बच्चों को दुनिया की गर्म हवाओं से, इन बीमारियों से महफूज फरमाए। ज़रा सोचें, जिनकी बेटियां हैं वो सोचें कि 4 साल की बच्ची, अल्लाह अकबर, सकीना एक सवाल करती है सज्जाद से, सज्जाद मेरे सामने ये छोटी छोटी बच्चियाँ अपना बाप का हाथ पकड़ के बाजारों में जा रही है, सज्जाद मैं भी कभी मदीने में इसी तरह अपने बाप के हाथ में मेरा हाथ होता था। अल्लाह अकबर, जज़ाकुमुल्लाह। बस चंद जुमले बीबी के सुनाना चाहता हूँ। जिंदान में ये बीबियाँ दाखिल हुई, दिन रात हुसैन की ये बच्ची रोया करती थी। किताब का नाम है मदीना से मदीना, आयतुल्ला ज़हनी तरानी ने इस रिवायत को नकल किया। ज़हनी तरानी फरमाते हैं कि आधी रात का वक्त था, यजीद का एक ग़ुलाम है जिसका नाम है अब्दुल्ला दमिश्की, उसका नाम है अब्दुल्ला दमिश्की। अब्दुल्ला दमिश्की ये रिवायत करता है, क़िबला साहब भी मौजूद हैं, इस किताब का उन्होंने मुताला किया हुआ है। अब्दुल्ला दमिश्की कहता है यजीद मेरे जानों पे सर रख कर सोया हुआ था, या जिंदान खराबा में कैदियों की मातम की आवाज़ें बुलंद हुई।
अल्लाह अकबर। यजीद की आंख खुली, आधी रात का वक्त था। पूछता है अब्दुल्ला क्या वजह है? आधी रात का वक्त हो गया है, आज जिंदाने खराबा में कैदियों कुछ मातम की ज्यादा आवाजें आ रही है। इसने अपने एक नौकर को भेजा, जाके पूछ ये अब्दुल्ला दमिश्की का नौकर आया जिंदान के दरवाजे पे, पूछता है क्या वजह है, क्यों रो रहे हो? मेरे मौला सज्जाद फरमाते हैं मेरी बहन सकीना ने मेरे बाबा को ख्वाब में देखा और बाबा ने फरमाया सकीना बस तू जल्दी ही मुझसे मिलने वाली है। बस हुसैन की बच्ची जारों कतार रोती रही, पूछती रही। जनाब जैनब ने बहुत कोशिश की कि बच्ची चुप हो जाए। कहती है पुपी अम्माई अभी अभी बाबा मुझे मिलने के लिए आए हैं। बस जब यजीद बेताब हुआ ना, इसने अब्दुल्ला को जाके कहा अब्दुल्ला जा, खुद जा और मेरा पैगाम सज्जाद के पास ले जा कि खुदा रहा इस बच्ची को चुप करा, जब से सकीना रो रही है मेरे दिल को कुछ हो रहा है, इसका इलाज बता, जो जे चाहती है मैं देने के लिए तैयार हूँ। जनाब सज्जाद फरमाते हैं कि कमीना मेरी बहन कब से एक सवाल कर रही है, ना खाने का सवाल किया ना पानी का सवाल किया, बेपलानों ऊँटों पे बैठी रही, कोई सवाल नहीं किया, एक सवाल है मुझे बाबे का सर दो। बस यजीद ने हुक्म दिया कि हुसैन का सर इसके हवाले किया जाए। मेरे मौला हुसैन का सर अब्दुल्ला दमिश्की ने उठाया, जिंदान के दरवाजे पे आया, सभी दिन झोली फैलाई, हुसैन का सर किसी की गोद में नहीं गया। सकीना ने ऐसा नुहा पड़ा, जब बाबा के सर को देखा कहती है मेरा मजलूम बाबा, मेरा प्यासा बाबा, बाबा शाम की तमाम बच्चियां नरम बिस्तरों पे सोती रही, बाबा तेरे जाने के बाद तेरी बेटी ईंटों का बिस्तर बना के सोती रही, बाबा तूने कहा था किसी को कोई तकलीफ न देना, बाबा फूफी अम्मा से पूछ मैंने कभी किसी को कोई तकलीफ न दी। बस हुसैन का सर सकीना की झोली में आया, मुख्तसर कर रहा हूँ। बीबी ने एक ऐसा जुमला कहा, बीबियों के मातम की आवाज बढ़ गई, गिरिया की आवाज बढ़ गई। बीबी एक जुमला कहती है बाबा मैंने देखा तूने अकबर का लाशा उठाया, तूने कासिम का लाशा उठाया, बाबा जब मदीना में आप बसते थे कभी आप मुझे सुलाते थे, बाबा अगर नींद आई है तो बेटी का सीना हाजिर है। अजरकुमल अल्लाह, अल्लाह आपकी बेटियों को सिवाय गमे हुसैन के दुनिया का कोई गम न दिखाए। अजरकुमल अल्लाह, अजरकुमल अल्लाह। ओ शरीफ अदादारों, जनाब सकीना ने अपने बाबा से गुफ्तगू की। बस मेरे मौला सज्जाद फरमाते हैं मैंने देखा सकीना की आवाज बंद होने लग गई, मैंने नब्जों पे हाथ लगाया, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक मर्तबा सज्जाद की चीखें बुलंद हुई, कहती है फूफी अम्मा मेरी सकीना जिंदान में मर गई। अजरकुमल अल्लाह, अजरकुमल अल्लाह। बस खत्म कर रहा हूँ, जनाब फिजा गुसाला को कहते हैं गुसाला हुसैन की यतीमा को गुसल दे। वो शरीफ जादार हो, कुछ ऐसे मैयत हैं जिनको गुसल देते हुए खुद गुसाल रो पड़े। एक जहरा का गुसल आए जब अली देने लगे, अली की चीखें निकल गई, उम्मे अमर पूछती है अली रो क्यों रहे हैं, अली फरमाते जहरा के कुछ ऐसे पोछीदा जख्म आए जो जहरा ने अली से छुपाए हुए थे। अजरकुमल अल्लाह, जब गुसाला जनाब सकीना को गुसल देने लगी, गुसाला ने पानी डालने से पहले एक सवाल किया, पूछ दिया फिजा तुम्हारी इस बच्ची को क्या बीमारी थी? अजरकुमल अल्लाह, अजरकुमल अल्लाह। गुसाला पूछ दिया फिजा
तेरी इस बच्ची को क्या बीमारी थी, एक मरतबा पूछा। जब तीसरी मरतबा पूछा, जनाब फिजा कहती है वो साला ना आप रो ना मेरे सज्जाद को रुला, बीबी मुझे बता ऐसा मैंने मैयत नहीं देखा जिसके हर जिस्म पे काले निशान हो। जनाब फिजा रो के कहती है ये बाबा की मोहब्बत के निशान है। उसाला कहती है ज़ईफा मुझे समझा ये कौन सी मोहब्बत है। जनाब फिजा कहती है हर मकाम पे एक सवाल करती थी, सज्जाद मुझे बाबे का सर दो। जब बाबे का नाम लेती थी जजरिम ने कैसा जाता था, कमिश्नर कमीना आता था, इसको तालियाने मारता था। ये हुसैन की बच्ची है, जब बाबा को याद करती थी कमीने तालियाने मारते थे।